जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद मौलाना जफर अली खान चौक में, जो कि जैसा कि तहरीके इंसाफ की आज़ादी की तरफ से लॉन्ग मार्च का एक इनकार किया गया था, जो कि आज मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि वजीराबाद में वो इस टाइम मौजूद है मेरे साथ। आइए उनसे जानते हैं कि वो खान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी जी, हम इस्लामाबाद जाएंगे, हम लाहौर से अपने खान के साथ निकले हैं और अपने इलाका अलीपुर चट्टा से होते हुए हम अपने खान के काफले के साथ निकले हैं और हम अपने खान के काफले के साथ इस्लामाबाद तक, तब तक हम वहां रहेंगे जब तक खान हमें आज़ादी नहीं दिला देते। हम मरते दम तक अपने खान के साथ हैं, अपने खान के साथ रहेंगे। अच्छा, आपने ये बहना की बात सुनी है, मेरे साथ एक भाई भी मौजूद है, ये उनसे जानते कि वो इस वाले से क्या करें। जी भाई जान, आप आए हैं लाहौर से, आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे खान को, क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? जी खान साहब, तक पैगाम ये है कि जब तक वो जिंदा है और उनके पीछे 22 करोड़ आवाम जो है ना वो भी जिंदा है, जैसे ही अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो अपने लिए नहीं, वो 22 करोड़ आवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए। और इंशाल्लाह ताला हम लाहौर से हैं और इस्लामाबाद तक जाएंगे इस हकीकी आज़ादी के लिए। मैं सबको पैगाम आवाम को यही पहुंचाना चाहूंगा कि वो आप 22 करोड़ लोगों के लिए निकला हुआ है, वो अपनी दाद के लिए निकला हुआ है, जिंदगी के उस हिस्से में है जिसमें उसको कोई तलब नहीं है। वो ये चाहता है कि मेरी कौम जो है वो आज़ाद हो जाए, उसके लिए जो दूसरे ममालिक में आज़ादी है वो मेरे मुल्क के अंदर भी मौजूद हो। जी, इन फैमिली की आपने बात सुनी है, इनका यही कहना है हम खान के साथ हैं और जब तक खान ऐसे ही लॉन्ग मार्च करता रहेंगे हम उनके साथ चलाना भी शाना चलते रहेंगे।